अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस इस्तलाह को जिस लीगल टर्म को डिस्कस करने लगे हैं वो है एक्चुअस रिया, या इसे हम एक्चुअस रियस के तौर पर भी जानते हैं। क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो तरह के टर्म्स का होना, दो तरह के एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। एक होता है एक्चुअस रिया, दूसरा होता है मेंस रिया। तो लेट्स कंटिन्यू कि एक्चुअस रिया से क्या मुराद है, इससे हम क्या मतलब लेते हैं। एक्चुअस रियस रेफर्स टू द एक्ट और ओमिशन दैट कंप्राइजेज द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम एज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट्स। एक्चुअस रियस इंक्लूड्स ओनली अ वॉलंटरी अफर्मेटिव एक्ट और एन ओमिशन फेलियर टू एक्ट कॉजिंग अ क्रिमिनली प्रोस्क्राइब्ड रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ थीप शूव्स अ गन इन टू द साइड ऑफ द विक्टम एंड सेज योर मनी और योर लाइफ, द शूव्स ऑफ द गन इज द एक्चुअस रियस एंड इनवॉलंटरी एक्ट डज नॉट सेटिस्फाई द एक्चुअस रियस रिक्वायरमेंट एक्ट। अब इसमें वो चीज़ आती है, वो दो तरह से चीज़ें इसमें डील करती हैं, एक एक्ट होती है और दूसरी है इसके अंदर ओमिशन। यानी कि एक्ट और ओमिशन दोनों इसके अंदर यूज़ होते हैं। इसके अंदर दोनों तरह के एलिमेंट्स का जिक्र किया गया है। एक तो एक्ट भी ओमिशन, यानी कि किसी चीज़ का करना और किसी चीज़ का ना करना, यानी कि जिसके करने का हुक्म हो उसको ना करना। अब इसके अंदर एक्चुअस रिया के अंदर एक्ट का होना शामिल है। किसी एक्ट से पता चले कि क्राइम किया गया है, फिजिकली तौर पर फिजिकली एलिमेंट्स का शामिल होना जो है वो एक्चुअस रिया में आता है। और दूसरी इसकी अहम जो एलिमेंट है या इसकी अहम जो ज़रूरत है वो ये है कि ये वॉलंटरीली अफर्मेटिव एक्ट होगा, यानी कि जो शख्स करने वाला है वो जो है वो खुद इस चीज़ का नॉलेज रखता था या वो खुद ये चाहता था कि वो ये एक्ट करे, उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं था। तो इसके अंदर एक एग्जांपल भी है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की तरफ गन जो है उसको शो ऑफ करके उसे कहता है कि तुम्हारी अपनी मनी निकालो या तुम्हारी लाइफ जो है ठीक है उसको मैं ख़तरा दे सकता हूँ, तो उसका जो इस तरह धमकी के साथ गन को शूव करना है, शूव करने का जो वर्ड है उसका मतलब होता है पुश करना, तो ये एक्चुअस रिया के मानी में आता है। लेकिन अगर किसी शख्स से कत्ल करवाया जा रहा है, कोई ऑफेंस करवाई जा रही है जो कि वो मेंटली तौर पर उस चीज़ के लिए एग्री नहीं था, उसकी इंटेंशन नहीं थी, तो वो एक्चुअस रिया के मानी में नहीं आती। अब इसके अंदर इंटेंशन होना या ना होना भी इस चीज़ को बयान करता है कि इसके अंदर जो मेंस रिया है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो इसमें एक्चुअस रिया को जब आपने फ्रेम करना है तो अपने माइंड में, तो एक तो आपने ये मद्देनज़र रखना है कि इसके अंदर एक्ट ओमिशन दोनों चीज़ें शामिल हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि ये एक्ट होगा वॉलंटरीली अफर्मेटिव एक्ट होगा या ओमिशन हो सकती है, और ऐसा एक्ट और ओमिशन जिससे उस तरह के क्रिमिनल रिजल्ट्स मिलें कि जो कि हमारे जो लॉ है उसने बताया हो कि अगर इस तरह की ऑफेंस होगी तो इस तरह से इसके रिजल्ट्स निकलेंगे, तो ये इसके अंदर चीज़ जो आ जाती है।